Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे, आपको मिलेगा 20% तक का छूट, तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट रियली वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनी, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. तो आप अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रख सकते हैं और ये रीडिंग देखना स्टार्ट आरंभ कर दीजिए. ओके एंजल्स, आया बींग्स एंड एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर जेमिनी इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024. ओके, लेट्स कट द डेक. करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज स्ट्रेंथ. इंटेंशन ऑफ योर पर्सन इज डेथ. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स. आहा, योर एनर्जी टू ऑफ स्वॉर्ड्स. योर इंटेंशन, क्या बात है, मून. योर फ्यूचर एक्शन एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद बॉटम ऑफ द डेक डेविल. क्या बात है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, मतलब डेविल बॉटम ऑफ द डेक. ओ माय गॉड. जेमिनी जोडियक साइन चलो पहले बता देती हूँ. जोडियक साइन इज लियो, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. जेमिनी मैं शुरुआत करती हूँ. अगर आप अपने एक्स की रीडिंग, एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो, आपका एक्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वापस आने के लिए. मैं पहले से ही बता रही हूँ, सो दैट इट डज नॉट वेस्ट योर टाइम. ओके, मतलब अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है. आई एम सीइंग आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस है. ये दूसरी कंट्री में ही दिख रहे हैं और आप शायद दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी में दिख रहे हो. एंड इफ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है तो भी मुझे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. सी ओवरऑल इट विल बी अ वेरी, इट विल बी अ वेरी नेगेटिव, वेरी हार्ड हिटिंग रीडिंग. रियलिटी चेक मिल रहा है सबको यहाँ पे, तो अब आपके ऊपर है आपको ये रीडिंग देखनी है नहीं देखनी है. नाउ दैट्स अप टू यू. ओके, किस जिसको सच्चाई जाननी है वो ये रीडिंग देख ले. पहले से ही बता दे रही हूँ ताकि फिर फालतू कमेंट मत करना. समझ में आया, लेट्स गेट स्टार्टेड. द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. करेंट एनर्जीज में बहुत एविडेंटली दिख रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू. करेंट एनर्जी में दे आर मूविंग ऑन. अगर वही मैं बोल रही हूँ, ये पास्ट का सिचुएशन, नो कॉन्ट, अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग हो रही है आपके केस में. देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू इज दैट दे विश यू द बेस्ट. जेमिनी सीरियसली वो चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो, सक्सेसफुल रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपना ध्यान दो. दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू, दैट्स देयर करंट एनर्जी. बट विद द स्ट्रेंथ एनर्जी आई एम सीइंग दैट दे वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम यू. जेमिनी वो आपके साथ नहीं रिश्ता रखना चाहते हैं. वो अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि हाँ भाई मुझे जेमिनी से मूव ऑन करने, इनका मन करता है आपको मैसेज करने का, कॉल करने का. बट इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि अब आप दोनों के बीच में वो चीज़ें नहीं सुधर सकती, आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है. अब वो रिलेशनशिप में वो स्पार्क, वो चीज़ बची ही नहीं है. एंड देयर स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ मुझे उनकी खुद की एनर्जी दिख रही है कि दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम यू. दैट्स देयर करेंट एनर्जीज. टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन, सी देखो डेथ है यहाँ पे, सीधा डेथ है. इंटेंशन इज जीरो, जीरो, नो इंटेंशन टूवर्ड्स यू. किसी भी प्रकार का इंटेंशन, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ना ऑप्टिमिस्टिक है ना पेसिमिस्टिक है, किसी भी प्रकार का आपके टूवर्ड्स इंटेंशन नहीं है. ये मूव ऑन करना चाहते, दिस इज अ होल एनर्जी दैट दे वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम यू जेमिनी. ये आपसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहते. एंड यू ऑलरेडी नो दिस, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं महीनों से, सालों से. You already know this, आपके एनर्जी में तो आएंगे, अभी आप सुनोगे बहुत अच्छे से. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो डिस्क्लेमर दे दिया था कि भाई ऐसी होने वाली है रीडिंग. सी वॉट वॉट इज हैपनिंग ना, कि आप दोनों का ब्रेकअप, आप दोनों का ब्रेकअप बहुत टाइम हो गया है. मूव ऑन करते आप लोग ने घसीटा इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को. नाउ दे आर लाइक, नो आई एम डन विथ यू जेमिनी, अब हो गया, अब जो हो गया सो हो गया, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन. एंड इंटेंशन इज जीरो, जीरो, बिल्कुल जीरो.
फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन सी क्लियर कट दिख रहा है कि आप रोना करोगे, आप गाना करोगे, आप बैक करोगे, ये लड़ते हुए दिख रहे हैं आपसे, ये फाइट करते हुए दिख रहे हैं आपसे। अगर आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये कुछ नहीं कहेंगे। सी ओवरऑल देयर एनर्जी, दे डोंट वांट टू बी विद यू, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर सामने वाला जेमिनाई, लेट्स कीप टैरो रीडिंग असाइड एज वेल, अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपसे रिश्ता नहीं निभाना चाहता है, ठीक है, आप बैक करो, आप अपना बेस्ट ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना बेस्ट ट्राई मत करो, बट अगर सामने वाला पर्सन आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा है, 6 बार, 7 बार, 10 बार, तो पीछे क्यों पड़ना? आपकी इज्जत कहाँ चली गई है? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया ये दिन देखने के लिए कि आप सामने वाले से बैग करो? जेमिनाई, ठीक है, आप बेग करिए, आप रिश्ते को बचाइए। आई एम नॉट सेइंग, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। आप बेग करो, बिल्कुल करो, अपनी हिम्मत, आप कोशिश करो, बट पीछे थोड़ी ना पड़ना होता है सामने वाले का। मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है कि ये दिस पर्सन वॉन्ट्स डाइवोर्स फ्रॉम यू। आप लोग अगर मैरिड हो, ये डाइवोर्स ही चाहते हैं, या आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप लोग जितना आप जितना ज़्यादा घसीटोगे इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन को, ये जो भी है, और टॉक्सिक होगा। लेट इट गो, लेट इट गो, दैट्स द गाइडेंस कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट इट गो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। वही ना, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आप करंट एनर्जी में आपने आंखों में पट्टी खुद से बांध रखी है। दैट इज व्हाट टू ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट। पट्टी बंधी है, इसके हाथ तो खुले हुए हैं, चाकू हटाए और पट्टी खोल दे और आंख खुल जाए। इट्स टू ऑफ सोर्ड्स इज एज सिंपल एज दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर इंटरप्रिटेशन अगर आपको आती है ना टैरो कार्ड रीडिंग, खुद ही देख लो, इसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं, इसके हाथ नहीं बंधे हैं। आप लोग अपने आप को अंधेरे में रखे हुए हो, आप लोग अपने आप से झूठ बोल रहे हो। टैरो कार्ड रीडिंग्स पे टैरो कार्ड रीडिंग्स वीडियोस देख रहे हो। वॉट इज द गोइंग ऑन विथ यू? करेंट एनर्जीज में आप जिद पे अड़े हो, आपको तो सुननी नहीं किसी की, किस किस आपको तो ऑब्सेशन है। वट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ जमना? प्लीज स्टॉप विथ दिस एटीट्यूड। ये पट्टी हटाओ, देखो एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो, दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती। इंटेंशन वही, मूड मैं रो रही हूँ, मेरे मेरे मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मुझे मैं बता रही हूँ आपके डायलॉग्स। मेरी लाइफ में इतना खराब हुआ, मुझे इतना धोखा मिला, मुझे इतना लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हुई, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया बट मैंने प्यार किया। कट द क्रैप जेमिनाया, बहुत हो गया। आपने प्यार किया, ये किया, यू आर नॉट द लास्ट पर्सन ओवर हियर। वही ना, आपकी लाइफ में जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो इंसान इंसान की फितरत होती है रोना, इंसान की फितरत होती है। लाइफ में पैसा है, सब कुछ, आई एम सीइंग यू हैव दैट लॉट ऑफ फेम, यू आर डूइंग वेल इन योर करियर, लाइफ अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, फैमिली अच्छी, तो रोना होता है, तो लव लाइफ में रोना होता है। डू समथिंग प्रोडक्टिव यार, रोना है रो, बट एक हद तक रो भाई, एक हद तक रो। होता है, दिल टूटता है, सबका टूटता है, इट्स ओके। वो पेन, वो दर्द, इट्स अनबेरेबल, बट अब तो कम कर दो, अब तो छोड़ दो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत महीनों हो गए हैं, महीने हो गए हैं, मंथ्स हो गए हैं, यू आर बीइंग स्टक। यू आर यू यू नो व्हाट, एवरीवन हैज अ चॉइस, एवरीवन हैज अ चॉइस कि आप स्टक रहना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो। आपको रोना है रो, बट गाओ नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, देन स्टॉप बीइंग अ विक्टिम एंड मूव ऑन, ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन। बोलना बहुत आसान है, पर और बोलना आसान है, आप सोचोगे तो बोल रहे हैं इनको पता नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है, मेरा काम है गाइड करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रो मत, आपका ट्रॉमा है, आई नो आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन टू क्राई। 1 महीना रोना, 2 महीना रोना, बट तीसरे महीने तो मत रोना। अब की अपनी आप आने वाली लाइफ अपनी इतनी भी ऑल्सो, मुझे दिख रहा है आप लोग को माइग्रेन्स, हेडेक्स, आप लोग की इमोशनल हेल्थ तो बिल्कुल खराब चल रही है इस टाइम पे। जेमिनाई, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अब तो मूव ऑन कर लो, ये जब पर्सन चाहता ही नहीं है आपसे। अटैचमेंट इश्यूज है और आप अटैच्ड हो, डेविल की एनर्जी है, डेथ मून एंड डेविल, कैन यू इमेजिन द कॉम्बिनेशन? अब ये बताओ, जो लोग कमेंट करते हैं कि आप इतनी नेगेटिव रीडिंग करते हो, अरे जब एनर्जी है वैसी, तो मैं क्या करूं? आपके सामने सामने पत्ते खोलती हूँ, आपके सामने सामने कार्ड्स निकालती हूँ, दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग। अब क्या मून को मैं बोलूँ नहीं वो तुमसे प्यार करता है, नहीं वो बस अंधेरे में है, डेथ को ये बोलूं कि नहीं 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 वो डेथ नहीं है, वो रीबर्थ है?
लाइक आर यू गाइज, डू यू गाइज मेक सेंस? टैरो स्लैप्स रियलिटी ऑन योर फेस. हमें 100 टाइम से चीज बोल चुकी हूँ, टैरो बेवकूफ नहीं बनाता, टैरो डायरेक्ट मुंह पे बोलता है. टैरो टैरो इज लाइक दिस, दिस इज योर रियलिटी, दिस इज योर आंसर. इससे इसलिए टैरो कम्स इन द 12th हाउस. इट इज, आई फील इट इज मोर डिवाइन देन एस्ट्रोलॉजी. ये डायरेक्ट बता देता है आपको. अब जब कार्ड्स ऐसे हैं, जब एनर्जीज ऐसी हैं, तो मैं आई विल नॉट मेक सम मेकअप शिट ना. डोंट डू दिस विथ योर योर फ्यूचर एक्शन. देखो आपका फ्यूचर एक्शन में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, बट जितना जल्दी मूव ऑन कर सको उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए. जेमिनी, प्लीज 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 मूव ऑन फास्ट, एज सून एज पॉसिबल, आज के आज, अभी से अभी मूव ऑन करिए. मेरे हिसाब से आपकी आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और खराब होते हुए दिख रही. बट सिंस इट्स अ गाइडेंस टूल, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो. देर इज नो फ्यूचर टू दिस कनेक्शन जेमिनी, नॉट एट ऑल. द ओवरऑल फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, या तो आप दूसरी कंट्री में मूव आउट करते हुए दिख रहे हो, या आपका पर्सन मूव आउट करते हुए दिख रहा है. कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, कि ये पर्सन आपका बेस्ट चाहता है. इनके दिल में, इनके इमोशंस में कोई द्वेष नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है. ये चाहता है आप खुश रहो. बट एक रिश्ते की कभी कोई एक्सपायरी डेट होती है. वी कैन नॉट हम लोग नहीं कर सकते हैं. और कभी भी किसी के ऊपर थोपो मत. अगर सामने वाला कह रहा है नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ट्राई, इट्स ओके. यू ट्राई, यू से सॉरी, इट्स ओके. बट डोंट डोंट पुश योर सेल्फ ना. फ्यूचर एक्शन देखो, मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम पे, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अपने करियर में इतना एक्सीलेंट करते हुए दिख रहे हो. आने वाले 3 वीक्स के अंदर आपके करियर में कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलते हुए दिख रही है. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो 3 हफ्ते के अंदर आपको जॉब मिलते हुए दिख रही है. फॉर दिस कनेक्शन मुझे ये दिख रहा है, आने वाले फ्यूचर में आप लोग टच में रहोगे एक दूसरे के लिए, आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे, टच में रहोगे. बट इफ देर, क्या आप लोग का रिलेशनशिप रिकंसिलेशन है? द आंसर इज अ बिग नो. अपनी लाइफ में ध्यान दो जमुना, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस कमिंग फॉर यू. अपने करियर पे ध्यान दो. आप, मेरे हिसाब से आपको अपनी सारी एनर्जी अपने करियर, अपने काम पे लगा देनी चाहिए. और यही एकमात्र तरीका होता है. अगर आपको अपना दिल का दुख हटाना है ना, अपने काम पे ध्यान दो. काम ही एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है. इफ यू लव योर वर्क, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव ना, उसी पे सारा एनर्जी लगा दो. वो ही खुशी देती है. आपने वो देखी है मूवी शादी में जरूर है ना, जब राजकुमार राव का दिल टूटता है और वो आईएएस बनता है. ये होता है. तो अपना अपना जो जितना भी जितनी भी एनर्जी है ना, अपने काम पे लगाओ. दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. और अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो जेमिनी. दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हुआ, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.